दोस्तों आज बात करूंगा पाइल्स फिशर और फिस्टुला की एक और होम रेमेडी के बारे में। और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है और आपको आसानी से मिल भी जाती हैं, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं आपके बीमारी के रिलेटेड और घर पर बैठे आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है मेरी वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों के पास और नॉलेज पहुंचेगा, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ हमारे टॉपिक की। दोस्तों आपको दो चीज़ें लेनी होती हैं। देखिए आपको एक तो लेने होते हैं काले तेल और एक आपको लेना होता है मक्खन। अब देखिए तेल जैसे कि आपको सभी को पता है दो प्रकार के होते हैं, काले और सफ़ेद। देखिए सफ़ेद भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं तिल है, ऐसा नहीं है कि मैं काले तिल का बोल रहा हूँ तो सफ़ेद तिल में जो है गुण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफ़ेद तिल में भी गुण होते हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन काले तिल के गुण हैं वो अपनी बीमारी के अंदर काम आते हैं, जो अपनी मलद्वार की बीमारियाँ हैं उसमें काम आते हैं। क्योंकि काला तिल जो होता है उसके अंदर वाइट तिल के मुकाबले फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और अपने मलद्वार की बीमारी है तो इसके अंदर क्या है कि आपका मल जो है कठोर हो गया है और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए फाइबर चाहिए होता है। तो फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको काले तिल से मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको काले तिल के बारे में बता रहा हूँ। आपको लेना होता है काला तिल और आपको लेना होता है मक्खन। अब मक्खन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मल जो है कठोर हो गया है और आप जो है उसके ऊपर थोड़ी स्निग्धन करेंगे, मतलब उसको चिकनाहट देंगे, तो वो अच्छे से पास भी हो जाएगा। मतलब तिल तो अपना काम करेगा ही, तिल तो सब बनाएगा ही, लेकिन उसमें टाइम भी तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने तिल खा लिए और कल से जो है आपका मल सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता है, 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर लग सकता है टाइम। तो वो क्या आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती है वो धीरे धीरे काम करती हैं। एलोपैथी के जैसे नहीं है कि आप जो है हाथों हाथ ले लिया हाथों हाथ आपका जो है उसको दबा देगी, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक जो है कोई भी चीज़ होती है वो काम पूरा करती हैं, लेकिन थोड़ा समय लेती हैं। तो ये जो आपका मक्खन जो है वो उसको स्निग्धन देगा, उसको थोड़ी चिकनाहट देगा, जिससे आपका मल जो है इजी से पास हो जाएगा। अब आपको नुस्खा बनाना है, उसके लिए आपको करना होता है, आपको देसी गाय का जो मक्खन होता है वो लेना होता है। भैंस का मक्खन नहीं चलेगा, किसी दूसरे किसी का भी आप मक्खन लाएंगे, बाजार से जो मक्खन मिलता है वो तो बिल्कुल लाना ही नहीं है आपको। घर पर बनाया हुआ मक्खन उसका मुकाबला कोई मक्खन नहीं कर सकता है। घर पे बनाया हुआ मक्खन, या फिर आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप शहर में भी रहते हैं तो आपके पास ऐसा एक दोस्त या यार कुछ भी कह लीजिए ऐसा ज़रूर होगा जो गांव से बिलोंग करता होगा, तो उससे जो है आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों गाँव का जो मक्खन होता है वो एक तो प्योरिटी होती है, उसके अंदर मिलावट नहीं है बिल्कुल भी, केमिकल नहीं है, वो काम भी जो है बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए आपको घर पर बना हुआ मक्खन और काले तिल, बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाता है काले तिल लीजिए। काले तिल को पीस के पाउडर बना दीजिए, पाउडर बना के उसके अंदर आपको मक्खन मिलाना होता है। मक्खन ऐसा नहीं है कि आप पाउडर के साथ ही जो मक्खन मिला के रख दें, ऐसा नहीं करें। आप जब भी जो है सुबह आप लें भूखे पेट जब आप इसको लेते हैं तो उसके अंदर एक चम्मच जो होता है वो मक्खन मिला दें उस पाउडर के अंदर, और उसका आप जो है सेवन कर लीजिए। सेवन करने के बाद आपको वही मैंने जो सब वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना होता है। एक घंटे के बाद जो आप हल्की एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद जो भी आपका रूटीन होता है वो नॉर्मली आप जो खाना खा सकते हैं। तो ये नुस्खा ट्राई करिए, क्योंकि आपकी बॉडी हर की अलग अलग होती हैं तो सबको जो है एक ही नुस्खा सूट नहीं होता है, इसलिए दोस्तों मैं सबके लिए अलग अलग नुस्खे बताता हूँ। तो दोस्तों ये नुस्खा आप इस्तेमाल करिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस नुस्खे से कितना फ़ायदा हुआ है। मैं मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ और कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।